मी क्या रे मेरा दिल तेरे पे पिता रे एक्सक्यूज मी क्या रे मेरा दिल तेरे पे पिता रे थिएटर में देखा तुझे पहली बार इंटरवल में हो गया तेरे से प्यार बोलता हूँ मैं सच्ची बात अरे तू तो मान जा एक्सक्यूज मी यस प्लीज बन जा मेरा भैया रे। नितिन जी के गाने हैं दो तीन, एक गाना है आपके अब्बास करके हैं, नए राइटर हैं, बहुत ही हमारे साथ काम कर रहे हैं आगे की फिल्मों में, वेरी टैलेंटेड यंग राइटर। और एक गाना तेजपाल कौर जी ने लिखा है, वो बहुत खूबसूरत गाना है, ये है स्टाइल, वो भी बहुत अच्छा है। तू क्या मिल गई ये समारंगी हो गया सहरा में जैसे खिल गया हो गुल नया है मेरी जान जा है तुझे क्या पता तेरे इश्क का मुझ पे नशा छा गया मुझ पे नशा छा गया मोहब्बत 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 हो जाए क्या आपको एहसास है बात अब ये ही खास है आपका दिल हमारे पास है हमारा दिल आपके पास है आपका दिल basically always anywhere because sometimes Sanjeev comes up with a very beautiful tune and he makes me listen to it. I do a minor changes. Sometimes I come up with a tune, Sanjeev does a minor changes. Even the arrangement, we always sit together ki is tarah ka music, is tarah ke instruments use karenge is gaane ke liye. Rhythm pe bhi hum dono saath mein baith ke hum log kuch rhythm banate hain ki is tarah ka rhythm use karenge, is tarah ke grooves use karenge. So basically everything is always together. जन्म ले तेरे लिए तेरे इश्क में मर जाए जो भी आना हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए कहना है तुमसे कहना है या हमने क्लासिक जो सिखा हुआ है इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द फैमिली बिकॉज आवर ग्रैंडफादर पंडित चतुर्भुज राठौड़ वाज अ वेरी रेनाउंड क्लासिकल सिंगर एंड उन्होंने हमें जब हम बहुत छोटे थे तो उन्होंने हमें ट्रेनिंग हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट की प्लस वी यूज टू सी आवर डैड व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग वी यूज टू सी रूप अंकल हु यूज टू रियाज फॉर हिज तबला एट दैट टाइम देन रूप अंकल स्टार्टेड रियाज उनका जो रियाज गाने के लिए रियाज उन्होंने स्टार्ट किया आवर अंकल विनोद राठौड़ यूज टू प्रैक्टिस हिज सिंगिंग तो ये सब घर में एक म्यूजिक का माहौल बचपन से ही रहा है एंड देन लेटर ऑन वी हैव लर्न फ्रॉम पंडित कालिका प्रसाद And this is how the classical background has always been there. Mera man kyun tumhe chahe Mera man na jaane jud gaya kaise ye bandhan I think that
the Western culture was always going around in our minds, you know. खुद बखुद develop हो जाता है. खुद बखुद ही वो develop हो जाता है. ना हम सुन रहे हैं आज Western ज़्यादा. And plus now the area is so wide that you can listen to different country music. You can listen to a lot of music worldwide. तो Arabic music भी सुनने मिल रहा है. You know different kind of music जो हमने आज तक सुना नहीं था वो भी अभी सुनने मिल रहा है because of the media. So I think you can get in touch with all these kind of music and then try to incorporate some our ideas and those ideas together and make a fusion of it. जैसे हम लोग पुराने म्यूजिक डायरेक्टरों को याद करते हैं, गाना अच्छा बनता है तो हम बोलते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया था. तो एक हम भी ये चाहते हैं कि इन द फ्यूचर यू नो पीपल शुड रिकग्नाइज अस की याद है वो संजीव दर्शन जो मेलेडीज काम करते थे. डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क दे यूज्ड टू डू. सो वी आर ट्राइंग एंड लेट्स होप सो. एंड आवर गोल इज बेसिकली टू गिव गुड म्यूजिक टू द ऑडियंस हु आर लिसनिंग टू आवर म्यूजिक. तलाश जब सुनील जी हमारे पास आए थे बहुत टाइम पहले when we were doing I think month nearly immediately month. after we finished month Sunil ji had approached us and हमारे साथ में उनकी कुछ दो तीन सिटिंग्स हुई थी. तभी उन्होंने कुछ करीबन चार या पांच गाने उन्होंने सिलेक्ट करके रखे हुए थे. दोज वर रफ ट्यून्स दैट वी हैड ऑलरेडी डन एंड उन्हें इतनी पसंद आई थी दैट ही वाज वेरी श्योर ऑफ यूजिंग दोज ट्यून इन अ फिल्म. एंड देन ही स्टार्टेड ऑफ विद दिस प्रोजेक्ट तलाश एंड ही कॉल्ड अस अप एंड ही केम टू अस फॉर अ सिटिंग. एंड आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम दैट हिज मेमोरी इज सो शार्प दैट ही एक्चुअली केम टू अस एंड दोज कपल ऑफ सिटिंग्स दैट वी हैड almost 1 year back, he actually remembered each and every song and he started humming those songs to us. You know, he's like, ke ye gana ek tha, yaad yaad kijiye. And we had also like kept those songs properly written and, you know, right aside, ke, okay, Sunil ji ke liye ye gaane hum log ne reserve karke rakhe hue the. So it so happened that when he came back, then he started telling us the story of the film and then he started telling us the song. Okay, look, this your song, this was your song and this is where I want to use it. We were so impressed that he has actually selected those songs 1 year back and today they are fitting so properly in this film.